क्वेश्चन 12, जस्ट इज सैंड यानी डेजर्ट, डेजर्ट में सैंड पाया जा रहा है, पोलर रीजन्स में क्या पाया जाएगा? तो पोलर रीजन्स की अगर हम बात करें तो उसमें जो कंडीशन होती है दैट इज परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट की बात करें तो परमानेंटली फ्रोजन एरियाज। और ये फ्रोजन एरियाज कहाँ पर हो सकते हैं? या तो ऑन लैंड या बिलो द सरफेस। बिलो द सरफेस यानी या तो लैंड पर पूरा जमा हुआ आइस कवर्ड एरिया हो या उसके नीचे यहाँ पर कवर्ड एरिया हो। तो इस परमा फ्रोजन एरियाज में क्या क्या आ सकता है? जो सैंड है वो आ जाएगी, या सॉइल लिख देते हैं मोर करेक्टली, सॉइल, ग्रेवल, और ये सब कवर्ड है या बंधे हुए हैं आइस के साथ। और इसीलिए इस परमा फ्रोजन एरियाज में जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑलमोस्ट ज़ीरो या सब ज़ीरो भी चला जाता है, 0 डिग्री चला जाता है फॉर एटलीस्ट टू ईयर्स। तो पोलर रीजन्स में पाया जा रहा है तो लाइकेंस नहीं जाएगा, सैंड नहीं जाएगा, सिल्ट भी नहीं जाएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, परमाफ्रोस्ट रीजन्स इन पोलर रीजन्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी।